बोल रहे हैं जी, ये हम आप पहुंच चुके हैं नजर ऑफिस के बिल्कुल पास। ये आपको सामने ये बिल्डिंग नजर आ रही है नादरा की। तो अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने काम की तरफ। तो ले जी, इस वक्त हम अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नादरा ऑफिस की तरफ। नादरा ऑफिस की तरफ जाने से पहले ये मैं बता दूं कि ये रोड नहायत ही ख़तरनाक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, इसलिए जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ और अगर फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो नहायत ही एहतियात करें। तो ये लें जी, इस वक्त हम पहुँचने लगे हैं एंट्री पर। यहाँ से हम होंगे एंटर। ये एक एंट्री पॉइंट है इन लोगों का। ये एंट्री पॉइंट के साथ साथ चेक पोस्ट भी है। यहाँ जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा तो आगे दो गार्ड्स बैठे हैं, गार्ड मुझसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके बाद मुझे आगे एंटर होने देंगे। तो इस वक्त मैं एंटर हो चुका हूँ। सामने आप देख सकते हैं नादरा ऑफिस के मनाजिर। ये एक काउंटर बना हुआ है मेरे राइट साइड पे। तो यहाँ पर आप जाके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या मालूमात ले सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नादरा के मेन एग्जीक्यूटिव हॉल, जहाँ पर हमने बनवाना है CNIC। तो चलें जी, हाँ इस वक्त एंटर हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं जी, इस वक्त कोई रश नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सुकून से आया मैं और पहली बारी मेरी लग गई। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर तीन काउंटर हैं। एक काउंटर पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मुझे सर्व किया जा रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी कर रहा हूँ ताकि मेरा काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो लें जी, मेरा काम कंप्लीट हो चुका और मैं बाहर निकल आया। तो ये जी इनका एग्जिट पॉइंट है। इनका एग्जिट पॉइंट एक तरफ है और दूसरी तरफ एंट्रेंस पॉइंट है। तो जब भी यहाँ पे आएंगे आप लोगों को दो डिफरेंट गेट्स नज़र आएंगे, एक एंट्री के लिए होगा, एक एग्जिट के लिए। नादरा का काम करती है तकरीबन, ये 10 मिनट लगे हैं हमें एक्टिव में। आपने देखा होगा कि मैं बिजी था, आज कोई नहीं था, उनसे काम हो गया। बल्कि जैसे ही गए वहाँ पे बिल्कुल प्लाट खाली थी, वैसे ही जाके आपने अपना काम कराया, 5 मिनट के अंदर हमारा काम हो गया। अब हम वापस ले जी, हमारी आज की ये मेजर एक्टिविटी थी जो कि मेरे बेटे के हवाले से थी, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा था। तो लेकिन ये एक अच्छी सर्विस है जी। देखें जी, हम गए स्कूल से, मेरा काम 10 मिनट के अंदर हो गया, इसका मतलब ये है। और आपने सफाई का भी इंतजाम देख लिया वहाँ पे, और कोई रश नहीं था आज के दिन, तो इसलिए मेरा काम बिल्कुल ही जाते साथ ही ये हो गया। तो ये अच्छी सर्विस है जी। अगर जो लोग अर्जेंट बनवाना चाहते हैं या जो लोग ऐसे हैं कि जो वेट नहीं कर सकते या लाइनों में नहीं लग सकते, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एग्जीक्यूटिव बनवा लें ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए। और वहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा था, एसी चल रहा था, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट था। और स्टाफ अच्छी चीज़ ये है कि ये जो लोग बैठे हैं ना, ये है तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत सेंसिबल लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो अच्छे की उम्मीद मैं कर रहा था, हुआ भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो लोग अपना जाना चाहते हैं या जो लोग ऐसे हैं कि भाई जिनके पास आजकल का दौर में लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो शॉर्ट टाइम वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग चले जाएँ एग्जीक्यूटिव सेंटर यहाँ पे जॉर्टन में नादरा का। यहाँ से आप अपना इजली CNIC वगैरह जो भी है अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने साथ दिया। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।